हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाइक जब हम ट्रैवलिंग करके आते हैं या कुछ देर बाइक स्टार्ट होने के बाद जैसे ही हम बाइक को बंद करते हैं तो उसमें से जो टिक टिक की आवाज़ आती है वो क्यों आती है। अक्सर आपने गौर किया होगा, जब आप कुछ दूर रन करके आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं और अपनी बाइक को बंद करते हैं तो उसमें से टिक टिक की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, वो जो आवाज़ होती है, हमारा जो इंजन होता है उसमें से कई तरह की गैसें निकलती है, जैसे मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन। तो दोस्तों, उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक एग्जॉस्ट लगाया जाता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में साइलेंसर बोलते हैं। तो उसमें साइलेंसर के अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर होता है जो कि इन जहरीली गैसों को, जैसे मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदल देता है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट स्वस्थ रहे। तो कैटलिटिक कन्वर्टर के अंदर एक पाइप होता है जो कि फैलता है, गर्म होने के जितना वो गर्म होता है उतना ही ज़्यादा फैलता है, और फिर जैसे हम अपने बाइक के इंजन को बंद करते हैं वो पाइप वापस सिकुड़ने लगता है। तो वो सिकुड़ता है तो उस टाइम पे हमारे बाइक में किट किट की आवाज़ आती है, और हमें ये ध्यान भी देना चाहिए कि अगर किट किट की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब आपके बाइक का इंजन बिल्कुल ओके है। परंतु कितनी बार हम देखते हैं हमारी बाइक ऐसी आवाज़ नहीं करती है। तो अगर बाई चांस कभी ना करिए तो वो अलग बात है, परंतु अगर कभी भी ना करें तो आप ध्यान रखिएगा कि वो किट किट की आवाज़ करे, इट मीन्स आपका इंजन ठीक है और आपके एग्जॉस्ट भी ठीक है। पर अगर वो आवाज़ ना करे तो आपको अपना एग्जॉस्ट चेक कराना चाहिए। अगर एग्जॉस्ट में कमी है तो आपके इंजन में भी कमी कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।